मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, और जब से मैं ये IRCTC टूर के बारे में सुना, तभी से मैं प्रयासरत था जाने के लिए, और कुछ भगवान श्री राम ने हम लोगों की सुनी भी और हम लोगों का टिकट भी कंफर्म हो गया, समझे आप। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं, और शुरुआत अच्छी है तो हर चीज़ अच्छी होगी, बहुत सुविधाजनक होगी। और मेरा ये IRCTC से लगभग 5वां टूर है, तो मेरे चारों टूर का अनुभव बहुत अच्छे रहे। बहुत बहुत उत्साहित हैं राम यात्रा जाने के लिए, बहुत मन था जाने का, ईश्वर पूर्ण कर दिया, जाएंगे यात्रा में। बहुत बहुत सबसे बड़ी बात है, कार्तिक का महीना है और हमें इतनी अच्छी जगह यात्रा हो रही है इस बहाने से कि उसका तो कोई है ही नहीं, जवाब नहीं है कुछ भी। और जिस तरीके की सुविधाएं अभी तक आपने देखी, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छा। एंट्री करते ही गेट के अंदर जो स्वागत हुआ है ना, उसका तो हमने सब सोचा नहीं था कि इस तरह से होगा, तो वहाँ से ही शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है, और अभी तक अच्छा ही अच्छा है, आगे भी अच्छा ही होगा, राम की कृपा रहेगी। इससे ज्यादा उत्साह जीवन में मिल ही नहीं सकता, जितना यहाँ सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है देश को राम जी के चरित्र के साथ चलने के लिए, इससे बड़ा कुछ कदम हो ही नहीं सकता। और जो यहाँ की व्यवस्था है, वो व्यवस्था में चार चांद लगे हुए। तो जिस तरीके की शुरुआत है, आपने कहा जैसी व्यवस्था है, आनंदमय रहेगा आपको ये पूरा जीवन ही, हमारा भी आनंदमय रहेगा इस समय में। ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि हम लोग एक नया जन्म लेके राम के चरणों में पहुंच चुके हैं। ये हमें पहले बहुत पहले पड़ा था कि ये ऐसी ट्रेन शुरू होने वाली है, लेकिन क्रियान्वयन रूप में अब हम इसको देख रहे हैं। पहले हमने इसका ऐड देखा तो हमको टिकट नहीं मिलने की संभावना है, लेकिन बाद में हमें किस तरीके से वेट करने के पश्चात हमको टिकट मिल गए, तो हमें बड़ा अनुभव अच्छा सुख महसूस हुआ। तो इसमें यह है कि क्योंकि राम की यात्रा के लिए राम के बहुत से जो स्थान है जहाँ जहाँ गए उनको हम देखेंगे। विशेष तौर पे हमने किष्किंधा नगर का सुना था, उसमें हम्पी नगर आता है, वो हमने देख पाए, चित्रकूट वो हमने देख पाए। हालांकि पहले भी हमें IRTC की ट्रेन से जा चुका हूँ मैं, लेकिन इतना स्पेस में नहीं देख पाऊंगा जैसे खासतौर पर नेपाल में माता जानकी के स्थान के जन्म स्थान को देख रहा हूँ। और दूसरा धनुषकोटी, जो वहाँ पर रामेश्वरम के बाद जो धनुषकोटी है, दूसरा एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मिलाना, ये रेलवे वालों का और इस भारत सरकार का, खौस से उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा योग है। मैं योगी और मोदी दोनों ही सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने राम के को जानने के लिए एक ये विशेष ट्रेन चलाई, और हम उसके बारे में और ज़्यादा बहुत से बहुत जाने के लिए, उसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। और सर उत्साह लग रहा है क्योंकि आप अभी यात्रा शुरू होने वाली है, हम देख रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आनंद में रहेगा सफर। जी जी हाँ, खास तौर पे जिस तरीके का हम पहले वीडियो देखते थे, हो सकता कि ये सुविधाएं केवल वीडियो तक हो, लेकिन नहीं, वास्तविक रूप में हम देख रहे हैं कि ये सुविधाएं हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो केवल दिखाने के लिए नहीं, बाकी में ऐसी सुविधाएं और आशा करते हैं और हमें चलती हुई ट्रेन के अंदर और ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, ये हमारा यह है। और निवेदन भी है कि रेल वालों से कि हमको सुविधाएं दे, हमें इसी आशा के साथ हम इस ट्रेन में बैठेंगे। IRCTC की ये पर्यटक ट्रेन है, देखो अपना देश डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन। ये पर्यटक ट्रेन जो पर्यटन मंत्रालय का स्वदेश दर्शन योजना है, उसमें जो डिफरेंट थीम सर्किट्स बनी हुई हैं, उसमें एक थीम सर्किट है रामायण सर्किट, उसको रेल के माध्यम से कवर करने की एक योजना बनाई गई है। तो इस पूरी टूर को नाम दिया गया श्री रामायण यात्रा, और इसमें जो उद्देश्य है कि जो भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए जो स्थल हैं, उन सारे स्थलों को कवर करते हुए ये एक रेल रूट बना के और पर्यटकों को दिखाया जाए, तो ऐसी ये यात्रा है। और ये आज यहाँ से रवाना हुई है, ये 17 दिन के टूर पे रवाना हुई है। इसमें जो पहला हॉल्ट है वो अयोध्या है, वहाँ पे अयोध्या और नंदीग्राम ये दो जगहें लोगों को दिखाई जाएंगी। उसके बाद हम पर्यटकों को लेके जा रहे हैं इस ट्रेन को सीतामढ़ी जो बिहार में है, वहाँ से बाई रोड ले जाके जनकपुर जो नेपाल में है वहाँ पे लोगों का वहाँ का दर्शन कराएंगे। फिर सीतामढ़ी से ये ट्रेन काशी आएगी, काशी और फिर वहाँ से सीता समाहित स्थल प्रयाग, प्रयाग में जो भारद्वाज आश्रम और संगम स्थल है वो, फिर श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर से चित्रकूट, ये सारा बसों से भ्रमण कराया जाएगा। फिर चित्रकूट से ये ट्रेन से यात्री रवाना होंगे नासिक के लिए, जहाँ पे नासिक पंचवटी और त्र्यंबकेश्वर के मंदिर का भ्रमण होगा। वहाँ से फिर ये ट्रेन हम्पी जाएगी जो किष्किंधा नगरी मानी जाती है,
वहाँ पे अंजनी पर्वत और विभिन्न जो विरासत के मंदिर हैं उनका भी लोगों को दर्शन कराया जाएगा, और वहाँ से फिर इसका अंतिम पड़ाव रामेश्वरम होगा। रामेश्वरम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है रामायण यात्रा का, तो वहाँ का दर्शन करा के ये ट्रेन 17वें दिन वापस दिल्ली पहुँचेगी। तो 17 दिन का ये पूरा कंप्लीट टूर एक्सपीरियंस होगा पर्यटकों के लिए। और सर कुछ यात्री ऐसे होंगे जो ये देखने के बाद अभी उनके मन में ये इच्छा होगी कि वो कब यात्रा कर सकते हैं? देखिए, ये इस गाड़ी में 156 लोगों के ट्रैवल करने की व्यवस्था है, जिसमें से हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल के कारण 120 सीटें ही बुकिंग के लिए रखी थी। हालांकि बहुत डिमांड थी तो कुल मिला के 132 बुकिंग हुई और 132 यात्री, तो ये गाड़ी पूरी फुली बुक है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने 12 दिसंबर को इस ट्रेन को फिर से चलाने का प्लान किया है IRCTC ने, और 12 दिसंबर को जो ट्रेन जा रही है उसकी भी बुकिंग चालू हो गई है। बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से होती है, IRCTC की अपना टूरिज्म वेबसाइट है IRCTCtourism.com जो बहुत पॉपुलर है, तो उस पर जाके कोई भी इसकी बुकिंग कर सकता है। इसमें लगभग 25-30 सीटें बुक भी हो चुकी हैं, तो और पहले आओ पहले पाओ वाला ही सिद्धांत है इसमें, तो रिजर्वेशन उसमें कराया जा सकता है ऑनलाइन माध्यम से। 12 दिसंबर को दोबारा जाएगी ट्रेन ये। और सर इसमें अगर हम जो किराया है उसकी बात करें तो कितना है? इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि दो कैटेगरी है, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी। फर्स्ट एसी का किराया 1,02,000 रुपये प्रति व्यक्ति है और सेकंड एसी का किराया 87,000 है। और ये तो कंप्लीट पैकेज है, तो ये जो किराया मैं आपको बता रहा हूँ इसमें रेल यात्रा है, रेल के अंदर जितनी भी सुविधाएँ हैं वो सारी सुविधाएँ यात्री को मिलेंगी। इसके अलावा जितनी जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था, डीलक्स होटलों में एयर कंडीशन होटल में रहेंगे, एयर कंडीशन बसों से घूमना, खाना, गाइड, टूर स्पॉट, हर एक चीज़ इसमें कम्प्लीटली शामिल है। मतलब पर्यटक को और कुछ खर्च नहीं करना, ये कंप्लीट पैकेज में उसको पूरी यात्रा का अनुभव मिलेगा। मतलब जो किराए के अलावा एडिशनल चार्जेस? जी नहीं, केवल उसको अपने पूजा पाठ के जो व्यक्तिगत खर्च हैं उसके अलावा कोई भी पैसा उसको खर्च नहीं करना, हर सुविधा इसमें शामिल की गई है। अच्छा सर, आपने सुविधाओं का जिक्र किया, आम यात्री ट्रेन जो होती है उससे अलग बहुत सारी सुविधाएं इस ट्रेन में है, क्या क्या है? अगर देखिए, ये ट्रेन पर्यटकों के लिए ही स्पेशली डिजाइन की गई है। मैंने जैसे बोला कि डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन, इसमें दो कैटेगरी है, सेकेंड एसी फर्स्ट एसी, और ट्रेन जो दोनों क्लास हैं उसको भी रेगुलर रूटीन ट्रेन से हट के अलग से पर्यटकों की सुविधाओं के हिसाब से चीज़ें उसमें डाली गई हैं ताकि अतिरिक्त सुविधा मिले यात्रियों को। इसके अलावा इसमें दो कोचेज हैं जो रेस्टोरेंट कोच हैं, उसमें दोनों कोच मिला के 128 लोग एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। एक छोटी लाइब्रेरी भी है, उसके अलावा हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल हर सीट पर लॉकर दिया गया है, वो सुविधा है। तो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, हाउसकीपिंग का स्टाफ है जो बराबर सैनिटेशन करना, ट्रेन की साफ सफाई इसका ध्यान रखना, अत्याधुनिक किचन है जिसमें खाना बनता है, मॉडर्न मशीनें लगी हुई हैं उसमें, एक स्टाफ के लिए अलग से कोच है, और इस तरह से मतलब एक सारी सुख सुविधाएँ जो यात्रियों को चाहिए वो इसमें, पर्यटकों को चाहिए वो इसमें दिया गया है। तो ये ट्रेन रूटीन की जो और ट्रेनें हैं उनसे हट गए, इसीलिए मैं इसको पर्यटक डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन कह रहा हूँ।